चिकित्सीय लापरवाही के मामले तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी मामले में डॉक्टर पर जुर्माना लगा हो या एफआईआर हुई हो तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लापरवाही से हुई मरीज की मौत के ऐसे ही एक मामले में ग्वालियर पुलिस ने बड़ी एफआईआर दर्ज की है, जबकि उपभोक्ता फोरम ने 8 लाख का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता दीपक यादव की पत्नी रेणु यादव को ऑपरेशन के लिए माहेश्वरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां एनेस्थीसिया देने की लापरवाही के कारण रेणु यादव की मौत हो गई थी। आज 2 साल बाद माहेश्वरी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर डीके माहेश्वरी, डॉक्टर कपिल अग्रवाल व नर्स मिशी जोसेफ पर एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला 2 वर्ष पूर्व 28 मई का है, जब पुलिस निरीक्षक दीपक यादव सिंहस्थ में ड्यूटी पर थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने पड़ाव थाने में चिकित्सीय लापरवाही से पत्नी की मौत की शिकायत की थी। कुछ माह पूर्व ही उपभोक्ता फोरम ने भी इस मामले में माहेश्वरी हॉस्पिटल को दोषी मानते हुए 8 लाख का जुर्माना लगाया था। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच सीएसपी मुनीश राजौरिया ने की थी। जांच में डॉक्टर डीके महेश्वरी, डॉक्टर कपिल अग्रवाल व नर्स मिशी जोसेफ को दोषी पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, उज्जैन।